बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने सफ़ा नंबर 6, सफ़ा नंबर 6 की बुलंदखानी मुकम्मल करके अब हम सफ़ा नंबर 7 से अपने बुलंदखानी शुरू करेंगे। सानवी कोन, सेकेंडरी कोन्स। बाज़ औक़ात आतिश फिशा की कोन के साथ छोटी छोटी कोने भी ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और सानवी कोने कहलाती हैं। क्रैकर, आतिश फिशा के ऊपर क्रैटर, आतिश फिशा के ऊपर वाले हिस्से को क्रैटर कहते हैं। इसे बुलंदी से देखें तो ये एक गढ़े की तरह का दिखाई देता है। कॉल्डेरा, जब आतिश फिशा का क्रेटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। आतिश फिशा की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज। आतिश फिशा की दर्जाबंदी दो बुनियादों पर की जाती है। अलिफ, आतिश फिशानी अमल की बिना पर दर्जाबंदी। बे, आतिश फिशा की साफ तो जसामत की बिना पर दर्जाबंदी। अलिफ, आतिश फिशानी अमल की बिना पर दर्जाबंदी। नंबर 1, डॉर्मेंट आतिश फिशा, डॉर्मेंट वोल्केनो। नंबर 2, एक्टिव आतिश फिशा, एक्टिव वोल्केनो। नंबर 3, एक्टिंक्ट आतिश फिशा, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। बे, आतिश फिशान की साख और जिसामत की बिना पर दर्जाबंदी। नंबर 1, कंपोजिट आतिश फिशा। नंबर 2, आतिश फिशानी डोम। नंबर 3, सेंडर कोन। नंबर 4, शेड आतिश फिशा। नंबर 5, कॉलेरा। अलिफ, आतिश फिशानी अमल की बिना पर दर्जाबंदी। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। नंबर 1, डॉर्मेंट आतिश फिशा। ये वो आतिश फिशा हैं जिनसे अब लावा नहीं निकलता, लेकिन ये कभी भी दोबारा अमल में आ सकते हैं। इटली के इलाके नेपल्स में मौजूद वेसुवियस आतिश फिशा, वेसुवियस डॉर्मेंट आतिश फिशा की एक वाज़े मिसाल है।